हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 20 स्टडी करेंगे। क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 20। लेसन का नेम है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन में हम अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में के डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कच्चा रोड्स आर मोस्टली अवेलेबल इन नॉर्दर्न प्लेन्स वाइल पक्का रोड आर इन प्लेटो एरियाज। इट मीन्स नॉर्दर्न प्लेन्स में कच्चे रोड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक रोड होते हैं, और पक्के रोड्स प्लेटो एरियाज में होते हैं। तो इस बेस पे, रोड्स के बेस पे भी ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लेस डेवलपमेंट ऑन द वेस्टर्न डेजर्ट। दिस इज एन एरिया लो पॉपुलेशन इनहेबिटेंट। लेस डेवलपमेंट इट मीन्स जो डेजर्टी एरिया है वहाँ पे लेस डेवलपमेंट होता है। डेजर्टी एरिया में रोड्स का डेवलपमेंट कम होता है। दिस इज़ एन एरिया ऑफ द लो पॉपुलेशन ऑफ इनहेबिटेंट। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग कम से कम पॉपुलेशन, कम से कम इनहेबिटेंट होती है, क्योंकि वेस्टर्न एरिया है। यहाँ पे जो रेन है वो नहीं होती है, और जो भी जो पूरी सैंड ड्यून्स वगैरह चारों तरफ होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट इज़ मोर इन एरियाज वेयर मिनरल्स एंड द इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन द अबेंडेंस। डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट उस प्लेस पे होता है जहाँ पे मिनरल्स और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट उस प्लेस पे होता है जहाँ पे मिनरल्स और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द सेफ्टी ऑफ द बॉर्डर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड टू ऑफ द सोल्जर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट द मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट उन एरियाज़ में जहाँ पे होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। इट मीन्स जो रिसोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। द सेफ्टी ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर की सेफ्टी के लिए वहाँ पे रोड्स बिल्ड की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो कि रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं, एंड टू ट्रांसपोर्ट द मिलिट्री इक्विपमेंट्स। और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द पॉलिटिकल विल पावर एंड द पर्पस ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। और पॉलिटिकल विल पावर इट मीन्स जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग, वो अपनी पावर के यूज़ करने के अकॉर्डिंग, इट मीन्स अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के अकॉर्डिंग भी ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे फर्स्टली पॉइंट है द बैकबोन ऑफ द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स जो भी ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट के बेस पे ही होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द एक्सक्वेशन ऑफ द मोहनजोदारो एंड द हड़प्पा प्रूव्ड दैट देयर वर ग्रेवल रोड्स इन इंडिया इवन 5000 to 8000 ईयर्स अगो। इंडिया में एनिशियंट टाइम में, इट मीन्स जब हमारी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी 5000 and 8000 ईयर्स अगो, पहले ग्रेवल रोड्स इंडिया में थी। ग्रेवल रोड्स इट मीन्स कंक्रीट रोड्स इंडिया में डेवलप थी, जो प्लेस थे मोहनजोदारो एंड द हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बिटवीन 400 to 300 BC इंटरनल ट्रेड वॉज डन थ्रू टू रूट्स इन द नॉर्दर्न इंडिया। टू रूट्स इंटरनल ट्रेड इट मीन्स जो इंडिया के एरियाज थे उनमें भी ट्रेड होता था 400 to 300 BC के करीब, अप्रॉक्सीमेटली 400 to 300 BC वॉज डन थ्रू टू रूट्स। टू रूट्स थे जिन बेस पे ट्रेड होता था नॉर्दर्न इंडिया में, एक्सटेंडेड फ्रॉम पाटलिपुत्र टू काबुल सिंध वैली। पाटलिपुत्र से काबुल सिंध वैली तक एक्सटेंड था। इंडिया में टू रूट्स थे जो ट्रेड से रिलेटेड डेवलपमेंट में थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है शेरशाह सूरी बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम ढाका टू लाहौर विया वाराणसी आगरा दिल्ली एंड रीचिंग द रिवर सिंधु। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बिल्ड किया था फ्रॉम ढाका टू लाहौर विया वाराणसी आगरा दिल्ली रीचिंग द रिवर सिंधु। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द टोटल लेंथ ऑफ रोड वॉज 48.85 लाख किलोमीटर इन 2015 में टोटल लेंथ थी रोड की
48.85 लाख किलोमीटर विच कंपैरिजन 80% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। तो 80% टोटल ट्रांसपोर्टेशन का रोड डेवलपमेंट था 48.85 लाख किलोमीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्टली है एक्सेस टू द हाउसेस ऑफ द कंज्यूमर। रोड हर जगह बिल्ड की जा सकती है, इट मीन्स एक्सेस टू द हाउस ऑफ कंज्यूमर। कंस्ट्रक्शन अगर किसी भी कंज्यूमर को किसी भी नीड की किसी भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है जो रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो रोड्स उन्हें घर तक पहुंचाती है उस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को। सेकेंड पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ पॉसिबल ऑफ द अनडेल्टिंग टेरेन। अनडेल्टिंग टेरेन का इट मीन्स है अनइवन सरफेस, डेजर्टी एरिया और ऑल टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म तक रोड्स बिल्ड की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स को भी प्रोवाइड कराती है। पेरिशेबल गुड्स इट मीन्स ईटेबल जो थिंग्स होती हैं वो जो ईटेबल थिंग्स होती हैं जैसे मिल्क, मीट, ये सारी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं रोड्स। द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोड्स इज लेस, रिड्यूस डिस्टेंस एंड रोड रूट इज ऑलवेज सुटेबल ड्यूरिंग द नेचुरल क्लैमिटीज। रोड हर बेस पे इट मीन जब नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं तो भी रोड्स डेवलप की जा सकती है, बिल्ड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 20 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था जो कि ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक से रिलेटेड है।